हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं अपनी ऑल्टो के 10 की नैनो के साथ एक ड्रैग रेस और कंपैरिजन करने जा रहा हूं। ये देखिए, जैसे कि आपके मेरी गाड़ी चल रही है जो कि मेरा भाई चला रहा है, और ये नैनो ये भी मेरे भाई की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों गाड़ियों में कितना फ़र्क है। मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप नैनो लेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा है, और ऑल्टो लेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा है, और कितने की पड़ेगी, क्या इसकी कॉस्टिंग आती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चल के देखते हैं। ये नैनो ऑटोमेटिक है, ये देखिए इसका गियर, इसको मैंने ऑटोमेटिक लगा रखा है, और ये गाड़ी सिर्फ रेस देने पे, एक्सीलेटर दबाने पे अपने आप चलती है, और ये बहुत ही आसान है। ये देखिए इसका एक्सीलेटर, बहुत आसान है गाड़ी चलाना। अभी मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ क्योंकि इसमें पेट्रोल अभी कम है। हालांकि पता नहीं क्यों नैनो गाड़ी इसकी एवरेज अच्छी है, लेकिन फिर भी पता नहीं अभी कम देरी है तो सर्विस नहीं हुई है या कुछ और वजह होगी। बाकी इसकी सब सर्विस होगी तो पता चलेगा, इसकी सर्विस अभी ड्यू है। देखिए अब पेट्रोल भरवा के फिर मैं आपसे बात करवाता हूँ। ये ऑटोमेटिक गाड़ी नैनो मुझे तो बहुत ही पसंद आई, जो कि रतन टाटा जी का एक ड्रीम था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसी कार बनाएं जो कि बहुत ही किफ़ायती, कम दामों में और अच्छी एवरेज दे, ताकि जो फैमिली अपने बच्चों के साथ बाइक पे बैठ के जाती है वो इस कार में आराम से अपना सफ़र कर सके, और वो भी एक गाड़ी का अनुभव ले सके। ये हालांकि स्टार्टिंग इसकी 2.5 लाख से स्टार्टिंग हुई थी ये ऑन रोड, लेकिन ये आगे चलते चलते पता नहीं कोई टैक्स लगने की वजह से या किस वजह से ये आगे महंगी होती गई, जो कि एक लोगों की नापसंद गाड़ियों में से अब एक बन गई। हालांकि जिन्होंने सस्ते दामों पे, कम दामों पे ले ली, उसके लिए तो बहुत अच्छी और किफ़ायती, पैसा वसूल गाड़ी है ये। सामने ऑल्टो K10 चल रही है, और ये देखिए मेरी गाड़ी की स्पीड है करीब 40, और मैं इसे ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा ऑल्टो को। हालांकि जो ये मेरा भाई बैठा है ऑल्टो K10 में, ये स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ी इस गाड़ी को मशक्क़त करनी पड़ती है आगे निकलने के लिए, लेकिन फिर भी स्टिल मैं इस गाड़ी से कंपेरिजन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेरिजन ना करें तो ये गाड़ी बहुत ही पैसा वसूल गाड़ी है। अब 2024 में ऑल्टो K10 की कॉस्टिंग 5 से 6 लाख हो गई है, क्योंकि पहले से महंगाई और इसमें फीचर्स, एयरबैग्स वगैरह इंक्लूड किए हैं, इसकी वजह से ऑल्टो K10 की वैल्यू 5 से 6 पहुंच चुकी है। बट नैनो 2018 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। अब ये क्या वजह रही, या तो इसकी बदनामी ज़्यादा की गई है या लोगों को पसंद नहीं आई, ये रीज़न कह नहीं सकते। अदरवाइज़ ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी और किफ़ायती गाड़ी है। जिसने भी इसे चलाया होगा, और जहाँ जिसके पास ये अभी होगी, वो एक तरह से बिल्कुल बाइक की तरह पैसा वसूल उसका करा रही होगी, क्योंकि ना ज़्यादा इसमें खर्चा आता है, बिल्कुल बाइक की तरह इसमें कम पेट्रोल पीती है, और ड्राइविंग में बहुत ही कंफर्ट है। आपको यह बरसात, धूप, सर्दी, और लगभग जैसे हम बाइक से को टक्कर लगती है, गिर जाते हैं, तो वो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फैमिली अपने बच्चों के साथ बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ्टी के साथ सफ़र कर सकती है। ये देखिए सड़क थोड़ी ख़राब है, पर मुझे इसमें इतने गड्ढे महसूस नहीं हो रहे हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी बहुत ही स्पेसियस और कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ही डाउनग्रेड व्हीकल में बैठा हूँ। ये बहुत ही अच्छी व्हीकल लग रही है अभी तक चलाने में। तो ये है शौर्य और गर्व, इनको भी वीडियो देखने में और बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और ये भी कार में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए मैंने साथ ले आया। वो बारी बारी देंगे चांस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साथ खड़ी हैं, और क्या कंपैरिजन है। मैं इन बच्चों से ही पूछता हूँ कि ये इस गाड़ी में बैठ के इनको कैसा फील हुआ, इनका क्या एक्सपीरियंस था। ओनर हैं एक ऑल्टो K10 का और एक
नैनो का। अब हम इनसे ऑब्जर्वेशन लेंगे कि इनको कार में कैसा फील आता है, कैसा पसंद आता है और ये कार इनको कैसी लगी। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये अपना एकदम जेन्युइन और स्पेसिफिक आंसर और सही अच्छा रिव्यू दें, जेन्युइन रिव्यू दें। ठीक है, मैं आपको अब क्वेश्चन पहला पुट अप करता हूँ। हाँ तो शौर्य जी, अब आप बताइए, अगर आपके सामने मैं एक तरफ ऑल्टो के टेन और एक तरफ नैनो रख रहा हूँ, तो आप कौन सी कार में बैठना पसंद करेंगे? अगर स्पेस स्पेस की बात हो तो मैं नैनो चूज करूंगा, और अगर ऐसे पावर में बात हो तो मैं ऑल्टो चूज करूंगा। अच्छा अग्रवाल, आप बताइए, अगर आपके सामने बात आए कि एक तरफ नैनो एक तरफ ऑल्टो, तो आप कौन सी गाड़ी पसंद करेंगे उसमें, जिसमें बैठना चाहोगे आप? और जो गाड़ी आप बोलोगे आपको उसका एडवांटेज बताना पड़ेगा कि मैं इस गाड़ी में क्यों बैठ रहा हूँ। नैनो में। नैनो को आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि इसका पावर स्टीयरिंग और सारी गाड़ियों के और सारी गाड़ियों की तरह नहीं है, इसका पावर स्टीयरिंग बहुत हल्का है। अच्छा हाँ, ये बात आपने जरूर कही, क्योंकि पावर स्टीयरिंग है और ऑटोमेटिक है तो चलाने में अच्छा लगता है, बच्चा बच्चा भी चलाएगा। जैसे कि आपने देखा हो गर्भ की कोई वीडियो उठा के देखना, तुषार वशिष्ठ नाम से चैनल है, उसमें ये गाड़ी चलाते हुए दिख जाएंगे आपको, और ये गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोमेटिक थी इसलिए बहुत आसानी से इजी से चला रहे थे। ये शायद मैं अगर इन्हें मैनुअल देता तो शायद इनके लिए बहुत मुश्किल होता। हाँ तो शौर्य जी, जैसे कि अब आपने देखा होगा कि आप तो अभी ड्राइव नहीं कर पाते, नहीं आपको आती है, तो आप इसमें ज़्यादातर पीछे बैठ के जाते हो, और अभी आप जब हम आ रहे थे तो आप नैनो में बैठ के आए थे पीछे, तो आपको क्या फीलिंग आई, कि आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं नैनो में बैठा हूँ, यार मैं ऑल्टो में बहुत अच्छी लॉर्ड ऑल्टो में बैठा हूँ, तो आपका क्या फीलिंग आ रही थी कि आपका जो चॉइस है ऑल्टो की वो बहुत अच्छी है या नैनो की बहुत अच्छी थी? नैनो की अच्छी थी क्योंकि पीछे स्पेस 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 बहुत ज्यादा थी। अच्छा हाँ, जो पहले आप पीछे बैठते थे, हम अपनी ऑल्टो में जो बैठते हैं तो आपको स्पेस की दिक्कत आती थी इसमें, कि पैर मोड़ के बैठने पड़ते, पीछे स्पेस इसमें नैनो में अच्छी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा पूरी सीट मिल रही है मुझे बैठने को। ओके ओके, तो गर्वा आप बताइए कि आप इसको स्पेस के मामले में कैसे देखते हैं, एक तरफ ऑल्टो को और एक तरफ नैनो को? ऑल्टो का हाँ चौड़ाई कम है नैनो के हिसाब से, और नैनो थोड़ी बड़ी है। हाँ नैनो में अंदर, क्योंकि मैंने भी बैठ के देखा है कि नैनो के अंदर स्पेस अच्छी है, चाहे आगे बैठो पीछे बैठो, मुझे पूरी वैगनार वाली फील देती है, जैसे वैगनार में स्पेस है ना, कि एक ड्राइवर भी कंफर्ट से बैठता है, उसका राइडर भी कंफर्ट से बैठता है, पीछे पैसेंजर भी कंफर्ट से बैठते हैं, तो बहुत अच्छी स्पेस है इसमें। बोलो, अगर पीछे बच्चे हो तो 4-5 बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। हाँ ये बात आपने कहा कि पीछे जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पीछे आपकी पीछे नॉर्मल अगर इंसान है पीछे की सीट पे स्लिम 4 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, और गाड़ी के अंदर पिकअप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नैनो 3 लाख की तक की रेंज में बहुत अच्छी गाड़ी है, जबकि ऑल्टो के टेन अब तो महंगी आ गई और नैनो बंद हो चुकी है, तो इस बारे में बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अदरवाइज बहुत ही अच्छी कंसेप्ट गाड़ी थी नैनो। अब मैं आगे इसकी ड्रैग रेस आपको एक और करके दिखाता हूँ कि कैसी फीलिंग आती है ड्रैग रेस करने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नैनो 650 इंजन का सीसी है और ये अल्टो के 10,000 सीसी का इंजन है, इसलिए मैं एडवांटेज दे रहा हूँ, नैनो को मैंने आगे निकलने दिया है, फिर भी देखिए क्या मैं इसको पकड़ पाता हूँ, क्या अच्छा पिकअप बना पाती है, और इसका पिकअप देखना ये कैसे आगे निकलती है, ये देखिए बिल्कुल धूम वाली फीलिंग आती है, धूम। और ये देखिए कहाँ रह गई, पीछे है, देखिए ये दिखा रही है, बहुत अच्छी गाड़ी है।